वेलकम बैक एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में ना कुछ स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई गेम खेलने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार गेम खेली और आप लोगों को पता ही है कि मैं कितनी बड़ी प्रो गेमर हूँ। फ्लैशबैक बुढ़ी आने वाली, तू मरने वाली है, गई है लड़की यहाँ से, भाग जा। मैं वो पलना याद नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने सीधा हॉरर गेम खेली थी फर्स्ट टाइम अपने भाई के पीसी पे और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी यार। मेरे को ना हॉरर मूवीज देखने में भी इतना डर लगता है, मेरी फेवरेट है लेकिन मुझे डर जरूर लगता है, ये तो यार मतलब सबके साथ ही होता है। तो आज मैं टेस्ट करना चाह रही थी कि क्या मेरे पास बिग ब्रेन है। अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड मेरे पास तो ब्रेन ही नहीं है, लेकिन आज मैं सभी लोगों को ना ये साबित करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ब्रेन है और वो भी बिग ब्रेन है। तो इसीलिए आज हम बिग ब्रेन गेम खेलने वाले हैं। तो चलिए अपने अस्त्र लगाते हैं और गेम को शुरू करते हैं। वैसे अपने अस्त्र से मेरा मतलब है कि कान में यार ईयरफोन्स लगा देती हूँ ताकि मुझे अच्छे से गेम की ना आवाज सुनाई दे। और आज जो मैं गेम खेलने जा रही हूँ उसका नाम है, मतलब यहाँ पे दिया है स्मार्ट ब्रेन करके नाम है। खेलने से पहले मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि यार मैंने कभी गेम ऐसे खेली नहीं है, ऐसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया है गेम प्ले। और दूसरी बात ये कि अगर मुझ में दिमाग कम निकला तो चलो ना, इतना क्या नर्वस होना यार। तो चलिए अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। आप देखो यार यहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टोरी चैलेंजेस दिए हुए हैं। हेल्प द गर्ल, विच डोर, जंगल बुक। मैं इसमें से चूज करने वाली हूँ विच डोर, क्योंकि यार पता है बचपन में भी ना मतलब ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आप इसमें से कौन से दरवाजे में से जाना चाहोगे। अगर आप लोग समझ गए कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो चलो फर्स्ट खेल के देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हाँ वही, थ्री डोर्स है, एक चॉइस मिलेगी, राइट डोर आपको सेव कर लेगा। अरे आई नो मैं वैसे भी बहुत प्रो हूँ। ओके तो लेवल वन है, लेवल वन में क्या दिया है, विच डोर विल यू चूज टू सर्वाइव, अ सीरियल किलर, ब्लड थर्स्टी वैम्पायर, लायन हंग्री सिंस 3 years। अरे कितना आसान है यार ये पहला लेवल, इतना आसान है, मैं बोल रही हूँ मेरे में बहुत बिग ब्रेन है। अब देखो यार जो फर्स्ट डोर है उसके पीछे सीरियल किलर है और हम सीरियल किलर से तो डायरेक्ट ऐसे भिड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें लड़ाई करनी नहीं आती और हमें वो हम वहां पे मारे जाएंगे। तो पहला दरवाजा तो मैं नहीं चूज करूंगी, ब्लड थर्स्टी वैम्पायर। देखो वैम्पायर से भी यार ना दूर ही रहना चाहिए, मतलब वैम्पायर से आप पंगा नहीं ले सकते। तो सेकंड डोर भी मैं चूज नहीं करने वाली। अब देखो थर्ड डोर में क्या लिखा है, लायन हंग्री सिंस 3 years। अरे 3 साल से लेकर अगर शेर भूखा है तो शेर तो मर जाएगा ना यार, ऑब्वियसली, इसी तो कहते हैं बिग ब्रेन। तो मैं तीसरा दरवाजा चूज करूंगी। चलो देखा मैंने क्या बोला था, ये लायन का कंकाल था वहां पे। ओके तो अगला लेवल है, विच डोर विल यू चूज टू सर्वाइव। अरे यार मैं बार बार वही लाइन क्यों पढ़ रही हूँ यार, मतलब ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए डोर चूज करना है। पहला दरवाजा है साइकोपैथ हु किल्ड 300 in 1890। दूसरे दरवाजे में है ज़ॉम्बी। अरे ज़ॉम्बी अटैक तो मैं यू सर्वाइव कर जाऊंगी, वो हमने मूवी में देखा है ना, ज़ॉम्बी वैसे भी बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं, तो उनके सामने क्या है, फटाफट भाग जाओ तो ज़ॉम्बी से बचना इजी है। पर शायद यहाँ पे इसका ही आंसर नहीं है, पूल ऑफ हंग्री शार्क। यहाँ पे लेकिन ये नहीं लिखा है देखो कि शार्क कब से भूखे, बस इसमें लिखा भूखी शार्क है। तो यहाँ नहीं जाएंगे हम, इस बार हम तीसरे डोर पे नहीं जाने वाले। साइकोपैथ हु किल्ड 300 in 1890। अरे यार 1890 में ऐसा कोई साइकोपैथ जिसने 1890 में 300 लोगों को मारा, तो अब तक तो वो बुढ़ा हो गया होगा ना, क्या पता मर ही गया हो। तो हम फर्स्ट डोर को चूज करेंगे। चलो ये ये सारे लेवल्स वही क्यों ला रहा है जिसमें लोग मर ही रहे हैं, कभी जानवर मर रहा है कभी साइकोपैथ मर रहा है। यार ये बहुत ज्यादा इजी है मैं बता रही हूँ। अब हम आ चुके हैं लेवल थ्री में जो फर्स्ट डोर है उसमें देखो क्या लिखा है, एसिड रेन दैट मेल्ट्स फ्लैश, मतलब आप इसमें जैसे ही जाओगे ना आपकी चमड़ी पिघल जाएगी। और दूसरा क्या है, बियर हंग्री सिंस अ डे, मतलब बालू यहाँ है तो हम इसके पास भी नहीं जा सकते क्योंकि इसको भूख लगी है। अब ब्लू लार्ज विल, अरे वेल वेल ऑब्वियसली आई चूज वेल, वेल से बच जाएगा भाई बंदा। Looks like that whale is I thought beach वाला सही था, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि वो टिका है ना बीच में, तो मुझे लगा बीच वाला सही है, मैं गलत हो गई, लेकिन मैंने सही किया है। Congratulations, मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है, मुझे मतलब according to this game, ये game बोल रही है भाई, अब क्या करें, शो ऑफ नहीं करना चाहती मैं इस चीज का। लेवल फोर में क्या है, फाइंड अ वे टू ओपन वन ऑफ द डोर्स।
फाइंड अ वे. अच्छा, मुझे तरीका ढूंढना है. यहाँ क्या चीज है? मशाल. यहाँ मशाल रखी है, कुछ सोने के सिक्के हैं और सामने को ओ, मैंने सिंपली इसको टैप कर दिया और ये हट गया. ये जो क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको यार, जिसमें मम्मीज रखी होती है, टूम. आई गेस इसको टूम नहीं बोलते हैं. ओके, तो ये लगाना है मुझे. ये यहाँ लगा दिया, ये इधर लगा दिया. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं यार, मैं तो शो ऑफ भी नहीं करना चाहती इस चीज के लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल था. लेवल 5. यहाँ पे भी हमें एक तरीका ढूंढना है कि इन दोनों में से कोई एक दरवाजा खुल जाए. और ऑब्वियसली इसका हिंट ना इस दादाजी के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, जिसमें पहले दिया है OXOXX. और जो ऊपर बटन है, हमें बटन उस अकॉर्डिंग प्रेस करने है. ओ एक्स. मैंने ये ऊपर कर दिया तो मतलब एक्स की साइड था. नहीं, इसको ऐसे करना है. OXOXX. सिंपल. आगे बढ़ते हैं यार, बहुत ज्यादा अभी तक तो लेवल बहुत ज्यादा इजी आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा उछल रही हूँ. आगे देखते हैं कैसे लेवल आते हैं. कासल को एस्केप करना है हमारे को. हमारे पास दिया है हथौड़ा. ओके, ये बहुत सारी चीजें. मुझे लग रहा है गाइज मैं कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफ करी थी इससे पहले. अब मेरे पास एक ऐसा लेवल आ गया जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है. हथौड़े का कुछ काम है. हथौड़ा इसको पकड़ा दूं? नहीं, इसको नहीं चाहिए हथौड़ा. हथौड़े को मारूं, स्क्रीन को ऐसे से करूं, क्या है भाई? हमें एस्केप करना है तो ऑब्वियसली कोई दरवाजा खोलना पड़ेगा. ये नीचे क्या बिखरा हुआ है? ये कांच बिखरा हुआ है क्या? ये हथौड़े से कैसे होगा भाई? अरे यार गाइस, मैं इसको काफी देर से लेकर ट्राई कर रही हूँ और ये मुझे नहीं आ रहा है. आई मीन मुझे ना शायद से या तो हिंट ले लेना चाहिए. वैसे यार अभी लेवल 6 पे ही हूँ मैं. लेवल 6 पे जाके अगर मैं हिंट ले रही हूँ तो मैं कितनी बड़ी नूबड़ी हूँ यार. चलना यार, क्या 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 करना है? इसको मैं यहाँ रख दूँ? इस लड़के को ऐसे यार इधर उधर घुमा के देखती हूँ. एक सेकेंड, एक दरवाजा है जिसपे ये ब्राउन, इसको तोड़ना तो नहीं है? ओके, मतलब देर आए पर दुरुस्त आए. पर चलो एनीवेज, फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब लेवल को पार तो कर दिया ना यार. तो मतलब ब्रेन तो है मुझ में, मानते हो ना इस बात को? तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ गया है. नेक्स्ट लेवल में क्या दिया हुआ है? एक डोर दिया हुआ है, फिर से एक संदूक दिया और एक हथौड़ा. हथौड़े से मार के देखते पहले. अब तो मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. हथौड़ा दिखा, मैंने दीवार पे मार दिया. मतलब वाओ यार, नेक्स्ट लेवल को पार करते हैं. वाटर विद हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, किलर मैड क्लाउन, डेडली फ्रॉस्ट रूम. इसमें भी हमें एक चूज करना है डोर को जहां से हम सर्वाइव कर सकते हैं. वाटर विद हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो यार, अगर जहां पे बहुत ज्यादा करंट वाला पानी है वहां तो हम नहीं जा सकते. तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है. किलर मैड क्लाउन, मुझे ना ये क्लाउन से बहुत ज्यादा डर लगता है तो यहाँ मैं नहीं जाने वाली हूँ. डेडली फ्रॉस्ट रूम, यहाँ भी मैं नहीं जाने वाली क्योंकि यार यहाँ पे तो ठंड से मर जाएंगे हम. तो इसमें क्या ऐसा है? ओके, मुझे जूते दिख गए. अब इसको ओके, तो हम फर्स्ट डोर से एग्जिट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हमने मतलब जूते पहन लिए जिससे हमारे को करंट नहीं लगेगा पानी से. अगला एक और वैसा ही दरवाजा आ गया है. डेडली पिराना किलर रोबोट रेजिंग फायर रूम. पानी की पकड़ पड़ी है. मैं पानी से सबसे पहले तो मैं तो वैसे पिराना को मार भी सकती हूँ. नहीं, पिराना को मारना क्यों है? पहले पानी फेंक देंगे हम इस पे. कुछ तो होगा भाई. यहाँ पे तीन चीजें दे रखी है. हथौड़ा दे रखा है, पानी की बकेट दे रखी है और साइड में भी एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स जैसी दे रखी है. वैसे तो यार देखा जाए ना मैं रोबोट को मार सकती, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि जो चीज मैं सोच रही हूँ वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा. अरे चल पानी फेंकते हैं हम इस आग पे. अरे कुछ नहीं हो रहा है. ये लेवल भी कुछ खास नहीं है यार. जितना मुझे समझ आ रहा है ये जो पानी की बाल्टी है इसको अगर मैं दूसरी जगह डालूंगी तो आग बुझ जानी चाहिए. वैसे आग बहुत ज्यादा है, पानी की बकेट छोटी है. मुझे लग रहा है मुझे हिंट ले लेना चाहिए. मैं बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रही हूँ. हिंट ही ले लेते यार. डिस्ट्रॉय द रोबोट विद वाटर, ड्रैग द वाटर बकेट एंड गिव इट टू द गाय एंड देन ड्रैग हिम नियर द सेकंड डोर. ओके, हिंट मुझे मिल गया. इस पे डालना था मुझे पानी, पर पानी तो डल ही नहीं रहा है यार. ये क्या है भाई? अच्छा पहले मुझे इसको हाथ में देनी है लड़के को. अरे यार,
अच्छा खासा वो हिंट दे भी दिया तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये इजी था, अगर मैं उस वाटर बकेट को इस लड़के के हाथ में पहले ले जाती ना तो ये काफी इजी था, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो लेवल 10 पे आ गई हूँ मैं, और मैं सच बताऊँ यार अब इसके लेवल्स ना थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं इस चीज को काफी देर से लेकर देख रही हूँ। लायन हंग्री फॉर 2 डेज, Ninja will chop your head, sun that burns you down. यार तो अब कहाँ जाऊँ मैं, अब तो शेर के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि शेर जिंदा है। और लेकिन यहाँ पे ना कुछ दिया हुआ है, इसको मैं कुछ हाथ में पकड़ा के देखती हूँ लड़के को। ये देख भाई मैप पढ़ ले, इतना सोच रहा है मैप पढ़, ये ले। निंजा के पास डालू इसको मकड़ी? अरे यार चल बे तू यही चले जा। यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको हाथ पे पकड़ के देख बे, इसको ही हाथ पे पकड़ के देख ले। मैंने इस गेम को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, लेकिन ये गेम थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कहीं से कुछ भी मार के देखते हैं। अरे यार पकड़ लेना भाई इसको, तो इसको पढ़ा जा रहा है। ये मुझसे नहीं हो रहा है, शुरू के लेवल ही अच्छे थे यार। Much later. मैंने था कार के फिर से हिंट ले ही लिया है। ऐसा भी हो सकता है क्या? इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये जो सेकंड डोर का क्लाउड है ना, इसको थर्ड डोर में सूरज के सामने रखना है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गेम में ऐसा भी चलता है। ओके अब मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हूँ गाइस। मुझे नहीं पता था कि हम एक डोर से कुछ चेंज करके दूसरे डोर में भी डाल सकते हैं, और मैं फालतू की बाहर की चीजों में ही लगी हुई। अब आ जाओ भाई, अब मैं इस गेम को समझ गई हूँ। लेवल 11 पे आके मुझे गेम समझ आई है। हमको ओपन डोर ए लिखा था है ओपन। अच्छा, हमारे को ये खोलना है, ऐसे नहीं खुलेगा ये। चाबी है दूसरे डोर में। ओ ओ ओ ओ ओके खुल गया। 11 यार थोड़ा सा इजी था लेवल 10 के मुकाबले, ऐसा मुझे लगा। पर नहीं नहीं मैं खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हूँ भाई, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया इसीलिए मैं लेवल 11 को क्लियर कर पाई। क्या कहते हो आप लोग? ओके अब उसी का नेक्स्ट पार्ट आ गया कि ओपन डोर बी। जैसे हमने ए को किया था, बी के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। कुत्ते को हटा के देखते हैं, लड़की को हटाया नहीं आया। ये बलून्स फोड़ने, ओके ओके ओके, और ये मैंने इस पे टैप करके बलून्स फोड़ दिए। बलून्स तो मैं फोड़ ही रही हूँ, लेकिन ये तो बार बार गलत बता रहा है यार। अब मैंने तीनों बलून्स फोड़ तो दिए, अब इससे ज्यादा क्या करूं मैं? ऐसे रख के देखते हैं ना यार। मैं इसको उठा के, इस ड्रम जैसे को उठा के इसके नीचे रख रही हूँ, और ये तो भाई किसी काम का नहीं है। नहीं लेकिन इसमें मैं हिंट नहीं देखने वाली, मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं देखूंगी इसमें। हाय राम ये गेम कितनी इरिटेटिंग है। ये सिर्फ ये ड्रम हिल रहा है यार, ये नहीं हिल रहा है जो नीचे रखा हुआ वो चीज है। ओ ओ मुझे कब से लेकर ऊपर यार, ऊपर ये जो तलवार थी बस इसको हिला के मटका फोड़ना था जिससे चाबी निकल जाती और दरवाजा खुल जाता। ओ माय गॉड। बट चलो एनीवेज फिर भी मैंने पार कर दिया लेवल 12। ये हेल्प द गर्ल एंटर हर हाउस, इसमें मदद की क्या जरूरत है, इस ज़ॉम्बी की ना हम पिटाई कर देंगे। अरे यार इस ज़ॉम्बी को तो हिलाना है बड़ा मुश्किल हो रहा है। बादल को हिलाऊं? ओ ओ ओ अब ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा। हेल्प हिम पास थ्रू डोर 1। ये तो डोर 2। अरे अरे अच्छा, ये पकड़ा जाएगा यार। इसमें तो टाइम भी नहीं है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। अरे 3 सेकंड के अंदर पकड़ रहा है भाई वो मुझे। अरे करूँ क्या मैं? कहीं पे भी रैंडमली प्रेस कर रही हूँ अब तो मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये क्या हो रहा है? एक तो वो 3-3 सेकंड के अंदर मेरे मुंह पे फ्लैशलाइट मार रहा है, ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा डोर 1 है किधर। ये क्या हुआ? मुझे तो खुद समझ नहीं आया मैंने किया क्या। मैंने तो सिर्फ अच्छा ओके मैंने टाइमर पे बार बार ऐसे क्लिक किया और वो फूट गया, तो मतलब डोर 1 वही था शायद से, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। पर चलो एनीवेज हमारा लेवल तो पार हो गया ना, आगे बढ़ते हैं यार। हेल्प द बॉय ओपन डोर 2। अब देखो डोर 2 सामने दिख रहा है, पिछली बार 1 नहीं दिख रहा था ना, इसलिए समझ नहीं आ रही थी मुझे गेम। इसको तो ऐसे ही फोड़ देंगे, लो यहाँ मारेंगे इसको जोर से। चल बे चल चल चल। अच्छा इसको हाथ में पकड़ाना है, खुद से नहीं लगना है। ओके ओके पहले इसको ना शायद एनर्जी ड्रिंक देनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। ओके ओके एकदम सही थी मैं, एकदम सही। वैसे भी यार देखो ना, बिना खाए पिए कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, तो वैसे इस छोटू को भी प्यास लगी थी तो इसने पानी पिया, एनर्जी ड्रिंक पी, जो भी पिया उससे इसको इतनी जान आ गई कि बंदे ने भाई
दरवाजा ही पार कर दिया और इसी के साथ मेरा लेवल 15 भी कंप्लीट हो गया है। मैं ना पहली बार ऐसी गेम खेल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ यार ऐसी गेम्स में। पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। गाइस देखो, मुझे लग रहा है ना कि मुझे अभी एक दो लेवल ही और पार करने चाहिए, क्योंकि मैं काफी सारे लेवल अपने हिसाब से तो मैं पार कर चुकी हूँ यार। मैं पहली बार कोई मतलब ऐसे मोबाइल पे गेम खेल रही हूँ और इतने बढ़िया तरीके से मैंने लेवल पार कर लिया है। तो बस एक दो लेवल और पार करते हैं, फिर गेम को यही खत्म करते हैं। ओके, फिर से वही है एनर्जी ड्रिंक। इस बार एनर्जी ड्रिंक नहीं है रे तेरे पास। ओके, मशाल मूव होगी, मशाल मूव होगी। मशाल को इसके हाथ में दे देती हूँ। चल 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 चल, कुछ तो होगा इस मशाल। ओके, आग लगा देनी थी। ये तो एकदम अनु मलिक की तरह हो गया, आग लगा दी, आग लगा दी। स्लाइड डाउन, चल तू इसके अंदर घुस और दूसरे गड्ढे से बाहर निकाल दिया मैंने हमारे लड़के को। तो यार एक दो लेवल और पार कर लेते हैं, मतलब मेरा ना मन नहीं भर रहा है इस गेम से। करेक्टली अरेंज द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल टू हेल्प देम गेट बैक इन द केज। अरे इसमें क्या है? अच्छा अच्छा, बॉडी पार्ट्स इनके अलग अलग लगाए, मैं सीधा जानवर को लगाने लगी थी। ए अपने कान तू ले और तू अपने कान ले। और ये मुर्गी को कितना प्यारे, मतलब वो जो डियर को नहीं होते सींग, वो लगा रखे। ओ ये कितना क्यूट है। ओके ये यहाँ लगना चाहिए। ओके हो गया हो गया हो गया। मुझे तो इस गेम का ना मतलब क्या बोलते हैं, नशा सा लग गया है। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है अब गेम। जब लेवल पार होते हैं ना तो सबको गेम अच्छी ही लगती है। ओपन डोर ए, वेरी सिंपल। बहुत सारे पजल्स हैं इसमें भी, लेकिन अभी मैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए मैं फटाफट से जाती हूँ। अरे चलना, चूहे को सांप के पास डाल देते हैं। ओ मुझे पता था कि खा जाएगा इसको। और ये मैंने चाबी लगाई और ये खुल गया। मुझे लग रहा है ना लेवल 20 तक कर देना चाहिए, है ना? क्या बोलते हो, लेवल 20 तक करते हैं हम इस गेम को। लेवल 20 भी वहीं से स्टार्ट हो गया। अब हमें डोर बी को ओपन करना है। तो देखो सांप ने पहले तो खा लिया वो चूहा, अब क्या होगा? पत्थर को उठा के देखूं, डियर को बाहर ला के देखती हूँ। ओके चारा देना इस बार सांप को। नहीं नहीं, सांप ये थोड़ी खाएगा, हम डियर को ही देते। ले भाई तू ही खा ले इसको। चिकन को देंगे, चिकन खाएगा, चिकन खाएगा, खा ले खा ले। अच्छा ऊपर वाले चिकन को दूं, यहाँ चलेगा, यहाँ रख के देखती हूँ। ए चल तो। ओके दो चिकन थे यहाँ पे। ये देखा आप लोगों ने क्या हुआ इसमें? चिकन के पास मैंने वो कुछ चारा जैसा रखा, उसने अंडा डाला, अंडे की वजह से दरवाजा खुल गया। मतलब कुछ भी, कोई सेंस नहीं था इस बात का, बट कुछ भी। बट चलो एनीवेज गाइस, मैंने ना 20 लेवल्स पार कर दिए एंड आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों को पसंद आया कि जैसे मैंने ये गेम खेली है मैं दोबारा भी गेम खेल सकती हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को कैसा लगा मेरा गेम प्ले। वैसे कुछ खास तो था नहीं, लेकिन बस मुझे यही टेस्ट करना था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा बिग ब्रेन है और मैंने ये साबित कर दिया है। और भी अगर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग मोबाइल वाली गेम्स है ना तो आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो, मैं खेलने का ट्राई करूंगी यार, जरूर ट्राई करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट दासो वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।